ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 4.2? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, फैक्टराइजेशन मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है. ओके, सो उसमें आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10 विच इज इक्वल टू 0. ओके, तो अभी फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 10 विच इज इक्वल टू 0. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं. हमको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दो चीजें चाहिए. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो 1 - -10 इज व्हाट, -10 आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए. ओके, और एडिशन क्या चाहिए आपको, एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज -3. ओके, तो अभी 10 के फैक्टर क्या होता है, 2 5 10 होता है. ओके, 2 5 10 होता है, बट आपको क्या चाहिए, -3 चाहिए. तो मैं इसको अगर माइनस साइन दे दूं, तो अभी देखो +2 - 5 इज व्हाट, -3, और +2 - -5 इज व्हाट, -10. ओके, सो आवर फैक्टर्स आर व्हाट, एक्स स्क्वायर +2x - 5x - 10 विच इज इक्वल टू 0. ओके, तो अभी देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को हम कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या, x + 2. अभी ये दोनों में क्या कॉमन है, -2 इज कॉमन, सो बचा क्या, सॉरी -5 इज कॉमन, सो व्हाट इज रिमेनिंग, x + 2 इज रिमेनिंग. ओके, तो अभी देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है, x + 2, तो x + 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये x - 5 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली दोनों ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, तो x + 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड x - 5 विच इज इक्वल टू 0. ओके, तो x क्या आएगा, x विल कम -2, ये +2 को जब हम RHS में शिफ्ट करेंगे दैट विल बिकम -2, और यहाँ पे क्या होगा, x = 5. ओके, सो द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 and 5. सो रूट्स आर -2, +5. ओके, सो ऐसे ही आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगा के अभी हम लोग अभी हम लोगों को सेकेंड वाले को भी फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है. तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म -6 है, तो आपको मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए, 2 - -6 यानी आपको मल्टीप्लीकेशन -12 चाहिए, और एडिशन क्या चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यानी यहाँ पे 1 है, तो आपको एडिशन चाहिए +1. ओके, सो आई विल राइट दिस इक्वेशन वंस अगेन. सो व्हाट इट विल बिकम, 2x² + x - 6 विच इज इक्वल टू 0. अभी देखो 6 2 = 12 होता है और 3 4 = 12 होता है. 6 2 = 12 अगर मैं लेता हूँ तो दोनों में डिफरेंस 4 का है, जबकि हमको डिफरेंस +1 का चाहिए, तो मुझे 3 4 ही 12 लेना पड़ेगा. ओके, 3 4 = 12. अभी देखो मुझे क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो यानी मैं -3 + 4 अगर करता हूँ तो मुझे +1 मिलेगा, और -3 * +4 अगर करता हूँ तो मुझे -12 मिलेगा. ओके, सो इन दिस वे वी गॉट द फैक्टर्स. सो 2x² - 3x
प्लस 4x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, ये दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो बचा क्या 2x माइनस 3। अभी ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है तो बचा क्या 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अभी ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 इधर भी है और 2x माइनस 3 इधर भी है, सो हम उसको कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और बचा क्या x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के, तो इंडिपेंडेंटली हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ में, तो इक्वेट करने के बाद क्या होगा 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू ये माइनस 3 RHS में आने के बाद प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा हमको, ओके क्योंकि ये प्लस 2 RHS में जाने के बाद माइनस 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/2, ओके सो इन दिस वे वी गॉट बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों क्या है, ये दोनों रूट्स हैं, रूट्स ओके, या फिर हम उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको सॉल्यूशन रूट्स या फिर फैक्टर्स बोल सकते हैं, ओके सो द रूट्स आर -2,3/2, ओके -2,3/2 ये रूट्स है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ओके हम इसको रूट्स क्यों बोलते हैं, जब आप ये वैल्यू डालोगे -2 एक्स के जगह पे तो आपको क्या मिलेगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिलेगा, या फिर जब आप ये वैल्यू डालोगे 3/2 ये इक्वेशन में तो आपको सेम एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी ये दोनों फैक्टर्स जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ओके सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है, √2x² + 7x + 5√2 विच इज इक्वल टू 0, सो सेम प्रोसेस आपको करना है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ओके अभी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा देखो यहाँ पे √2 × 5√2, ओके अभी आप लोगों को कंसेप्ट पता है √2 × √2 क्या होता है 2 और 2 × 5 क्या होगा 10, तो आपको मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए प्लस 10, ओके और आपको एडिशन क्या चाहिए +7, ओके +7, ओके अभी तो अभी दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए हमको जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 आए और एडिशन 7 है, अभी 10 कैसे मिल सकता है हमको, 2 5 10 मिलता है हमको, 2 5 10 और दोनों भी अगर प्लस रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +2 + 5 इज वॉट +7 एंड +2 × +5 इज वॉट +10, सो वी गॉट द फैक्टर्स, सो √2x² + 7x + 5√2 विच इज इक्वल टू 0, ये आपका मेन इक्वेशन है। फिर हम लोग स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को, √2x² + 2x + 5x + 5√2 विच इज इक्वल टू 0, ओके तो अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, तो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2x को √2x² + √2 × √2x + 5x + 5√2 विच इज इक्वल टू 0, ओके ये √2 × √2 क्या होता है, अल्टीमेटली 2 ही होता है। अभी देखो यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे एक x है यहाँ पे भी x है, तो √2x को मैं कॉमन ले सकता हूँ ये पहले दो टर्म्स में से,
तो क्या बचेगा फिर, रूट टू एक्स कॉमन आने के बाद एक्स बचा है और प्लस रूट टू बचा है। अभी ये थर्ड और फोर्थ टर्म में से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ, सो प्लस 5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, एक्स प्लस रूट टू विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये दो टर्म है, ये दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू कॉमन है, तो हम लोग उसको कॉमन ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, और बचा क्या फिर, रूट टू एक्स प्लस 5, सो रूट टू एक्स प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के, तो हम इंडिपेंडेंटली इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो एक्स प्लस रूट टू विच इज इक्वल टू 0 और रूट टू एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ रूट टू आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ रूट टू, और यहाँ पे क्या होगा, रूट टू एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 5, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट टू, माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट टू, सो द रूट्स आर माइनस रूट टू कॉमा माइनस 5 बाय रूट टू। ओके, दीज आर द रूट्स फॉर द थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे 1/8 है, तो ये डिनोमिनेटर का 8 मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंप्लीट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। ओके, 8 से मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगा कंप्लीट इक्वेशन को। ओके, तो फिर 8 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 16x², इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8x, और +1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 विल गेट कैंसल्ड एंड +1 विल बी रिमेंड। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में अरेंज किया है, तो अभी हमारा सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, 16 × 1 प्लस 16 × +1 इज व्हाट, +16 आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और एडिशन क्या चाहिए आपको, -8। तो फैक्टर्स गिराना है, 4 × 4 = 16 होता है, देखो 8 × 2 = 16 होता है, बट 8 और 2 में डिफरेंस 6 का होता है, 4 और 4 से हम लोग 8 बना सकते हैं, 6 और 2 से हम लोग 8 और 2 से हम लोग 8 नहीं बना सकते, सो मैं 4 × 4 = ये फैक्टर लूंगा। तो अभी देखो मुझे -8 बनाना है, तो -4 और -4 कर दो इसको, -4 and -4 गिव्स यू व्हाट, -8, और -4 × -4 + 16 मिलता है, तो मिल गए हमको फैक्टर्स, 16x² -4x -4x + 1 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी ये दोनों में से क्या कॉमन है चेक करो, 4x कॉमन है, तो बचा क्या, 4x -1 बचा। ओके, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 को कॉमन ले सकते, -1 को, तो बचा क्या, 4x -1 विच इज इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म में क्या कॉमन है, 4x - 1 और 4x - 1, सो 4x - 1 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे हम, और ये बचा 4x - 1 दूसरे ब्रैकेट में, 4x - 1 विच इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के, तो इंडिपेंडेंटली इसको इक्वेट करो 0 के साथ में, तो क्या आएगा, 4x - 1 विच इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे भी 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 1/4, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1/4। अभी आप लोग बोलोगे कि सेम रूट्स आ गए यहाँ पे, तो ओके, सेम रूट्स क्यों आए पता है क्या, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ये जो इक्वेशन है आपका, ये आपका x एक्सिस है, तो ये एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, ऐसा कर्व फॉर्म करेगा और एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वो पॉइंट क्या होगा, 1/4,
वो पॉइंट क्या होगा 1/4, और वो दोनों पॉइंट एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हैं, इस वजह से आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है। हम लोगों ने ये पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। देखो, हम कर्व प्लॉट करते हैं और वो जहाँ इंटरसेक्ट होता है एक्स एक्सिस के साथ, वहीं पे हमको सोल्यूशन मिलता है। सोल्यूशन यानी कि फैक्टर्स मिलता है। ओके, सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या होगा? रूट्स आर 1/4, 1/4। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 100x²-20x+1। सेम कंसेप्ट, 100 × 1 यानी ये मल्टीप्लिकेशन में चाहिए आपको प्लस 100, एडिशन में क्या चाहिए आपको -20। ओके, तो दो फैक्टर्स गिराओ। अभी 100 25s भी 100 होता है और 10 10s भी 100 होता है, तो 20 और 5 में डिफरेंस कितना है? 15 का। ओके, तो हम लोग उसको नहीं ले सकते। हम अगर 10 10 को लेते हैं तो हम उसको 20 बना सकते हैं। ओके, सो 10 10s 100। ओके, अभी -20 बनाना है तो इसको -10 कर दो, इसको भी -10 कर दो, -20 बन जाएगा एडिशन जब आप करोगे तो। अब देखो, -10 × -10 गिव्स यू +100, और -10 को -10 से ऐड करोगे तो -20 मिलेगा आपको। सो इन दिस वे वी गॉट द फैक्टर्स। सो हम लोग इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0। तो 100x²-10x-10x+1 विच इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में से क्या कॉमन है? 10x कॉमन है, तो बचा क्या? 10x-1। अभी ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 को कॉमन ले सकते हैं। सो -1 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 10x-1 बचेगा। ओके, तो अभी ये दो टर्म में क्या कॉमन है? 10x-1 इधर भी है, 10x-1 इधर भी है। सो 10x-1 एक ब्रैकेट में ले लो आप, और बचा क्या? 10x-1 इन अदर ब्रैकेट। यहाँ पे भी देखो आपको सेम रूट्स ही मिलेंगे। ओके, सो जब हम ये दोनों ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, सो 10x-1 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी 10x-1 विच इज इक्वल टू 0। सो 10x इज इक्वल टू व्हाट? 1 आएगा। ये 1 को आप RHS में शिफ्ट करोगे, -1 का +1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1/10। x का वैल्यू आएगा 1/10। x का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगा? 1/10। ओके, सो द रूट्स आर व्हाट? रूट्स आर 1/10, 1/10। ओके, सो दिस वॉज द फैक्टराइजेशन मेथड जिससे आप रूट्स निकाल सकते हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।